एक पोटैटो मसाला बनाएंगे। 4 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 जीरा को लाइट ब्राउन भून लेंगे, 4 मीडियम प्याज को चॉप कर लिया है ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल के प्याज को हम कुक कर लेंगे। स्लो आंच पे प्याज को कुक करना है। ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। प्याज को हम देख लेते हैं, अभी लाइट ब्राउन हो गया है प्याज। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे, 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे। मिक्स करके 1 मिनट कुक कर लेंगे। 1 बड़ा टमाटर चॉप कर लिया है ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम कुक करेंगे। ढक्कन लगा के कुक करना है, स्लो आंच पे ही कुक करना है। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हम कुक करेंगे। 2 मीडियम आलू बॉईल करके चॉप कर लिया है ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप पानी डाल के हम 2 मिनट कुक करेंगे ढक्कन लगा के। 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। 4 अंडे को मैंने बॉईल कर लिया है और 1 का 2 पीस कर लिया है ये हम अंदर डाल देंगे। बीच में इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा मसाला कोट कर देंगे। वन फोर्थ कप पानी डालेंगे। स्लो आंच पे हम 2 मिनट कुक कर लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट कुक कर लेंगे। लास्ट में 1 टीस्पून घी डाल देंगे। और कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे 2 टेबलस्पून। मिक्स कर लेंगे। एग मसाला रेडी है। अभी हम गैस ऑफ करते हैं और सर्विंग बाउल में निकालते हैं।